अस्सलाम वालेकुम, टेक्निकल राशिद चैनल पे वेलकम। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज हम आए जी प्लस 5 बिल्डिंग में। पहले हमारे आधा काम फिनिश है, ज़्यादा काम फिनिश है, बस 10 एसी जो हमारे थोड़े थे, जो एक एंट्रेंस का एसी है आउटडोर और इंडोर, और बाकी जो 8 एसी हैं वो हमारे हैं छत के। तो वो हम अभी ऑर्डर दिया हुआ था, आ चुके हैं एसी, 10 पीस आ चुके हैं। अभी हम ले जाएंगे ऊपर लिफ्ट के ज़रिए। तो उससे पहले आपको छत वाले सारे एसी दिखाता हूँ, काम करके दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ऑल बेल आइकन पे दबा दे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। और ये एसी हमने उतार के रख दिए हैं, अभी इस लिफ्ट में हम ले जाएंगे ऊपर। जी प्लस 5 बिल्डिंग है तो इसके रूफ पे हमारे 8 पीस जो थे कम थे, वो अभी हमने लगाने हैं। और एक एसी हमने अब नीचे पार्किंग में देखा। हाँ, अभी हम छत पे आ गए, 8 एसी कम थे तो वही 8 एसी ऊपर लगाने थे छत पे रूफ पे, वो अभी हम लोग लेके आ गए हैं। उनकी ब्रेसिंग भी कंप्लीट होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा किधर नीचे काम चला गया था, फ्लैट में थोड़ा ड्रेनेज का मसला था वो बताने चला गया, उधर से भी आया हूँ। थोड़ा काम इधर बचा पड़ा, ये पहले वाला हमारा कंप्लीट काम है। जो पीस 8 पीस थे ना बाकी, वो मैं आपको दिखाता हूँ जिधर जिधर वो लगे हैं। ये हमारा काम है माशाल्लाह, ये पहले हम कंप्लीट करके गए। ये जो काम हम करके गए ना पहले, ये हम पूरे 2 महीने पहले काम कंप्लीट करके गए। 2 महीने के बाद हम इस बिल्डिंग में आए, जो 8 पीस बाकी थे वो लगा दें। रीम कैसी, 2 ये पड़े, ये इसका OTS है पूरी फुल सेफ्टी के साथ। भी जिस बिल्डिंग वाले को सेफ्टी चाहिए होती है उधर हम लोग सेफ्टी पूरी देते हैं, ठीक है ना। ये उनका वाटर प्रूफ चेक करें, वाटर का ये जो है ना, वाटर लीकेज नहीं होगा इधर, इतना अच्छा उन्होंने ये वाटर सिस्टम किया, ज़बरदस्त पेंट किया। एक्सुलेटर भी जो पानी है ओरिजिनल, हर एसी का एक्सुलेटर का वायर साथ में, बिल्कुल एक्सुलेटर साथ में। देखो हमारी वायर का खसारा भी नहीं है और उनका भी खसारा नहीं है ज़्यादा। कूलर लेके जाओ, पानी मार के लेके आ जाओ। अभी टाइम क्या हुआ, 1 पीस वो है, नहीं मैंने पानी पी लिया। 2 पीस वो आपको नज़र आने, उनका काम कंप्लीट हो गया। कोटेशन के जो रबर थे वो भी लग गए, देखो एक पीस ये था जो उस साइड पे वो लड़का जा रहा ना, इधर पड़े हैं 36 के 2 जो पीस पड़े हैं आउटडोर, और वो सामने पड़ा 42 का, ये 25 का है, ये स्टूडियो रूम का, ये स्टूडियो रूम का एक पीस है। इसकी रिवेट भी लग गई, ब्रेसिंग भी होगी, फिल्टर भी लग गया, और ये भी 42 मॉडल है आउटडोर है। ये बड़ा फ्लैट है, सिंगल है, एक ही एसी है इसमें किचन में। अभी इनकी नाइट्रोजन बाद में करेंगे, ये बिजली वाले अपना एक्सेलेटर लगा रहे हैं, इनके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा कनेक्शन का, फिर हम नाइट्रोजन डालेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे, जो लीकेज वगैरह है वो भी फिनिश करेंगे। ये पहले का पीस पड़ा, ये इन 2 पीस के बगैर जितने भी पड़े हैं ये पहले हम लोग लगा के हैं। ये 36 मॉडल है इसमें और 42 मॉडल भी हैं। ये पीस है, ये हमने आते ही सुबह इनको कंप्लीट किया, ये देख रहे हैं ना, ये रंबल, ये अभी इनको बुलेट वगैरह का पूरा कंप्लीट किया, ये 2 पीस। और सेफ्टी देख, बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी, जिनको चाहिए होती है लगा देते हैं। देखो ना पीछे हमारे भाई, वही पोस्टर लगा हुआ है, सब कुछ वही सेम है अंदर, OTS के अंदर भी देखो।
इधर जाली आ गई इसीलिए ब्लर कर दिया उसने, वीडियो सही क्लियर नहीं की, ये मसला है एप्पल का। और ये जो छोटे एसी पड़े हैं ना 25 मॉडल, वो देख लें ना बड़े एसी है, वो 36 पड़े हैं, उनके लास्ट पे जो मैंने आपको पहले दिखाया वो आपको नज़र भी आ रहा है, वो लास्ट वाला OTS, सही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सब पड़े हैं 42 और ये पूरा 36 मॉडल पड़ा है, और ये हैं 25 मॉडल, ये देखें ना 25 मॉडल छोटे से, ये स्टूडियो रूम है, छोटा सा रूम है, इसीलिए उन्होंने 25 फिर भी 25 मॉडल इधर लगाए। ये तो लोग सेपरेट लगवा देते हैं, छोटे से स्टूडियो में एक सेपरेट लगा देते हैं, मगर बिल्डिंग में ऐसा लोग नहीं करते, ऐसा बिल्डिंग में ऐसा चलता नहीं है, इधर सेंट्रल का सिस्टम सही चलता है और VIP काम हो जाता है बहुत ज़बरदस्त। ये आपने पाइपिंग भी देखी और साथ में एक्सेलेटर कनेक्शन भी आपने देखे, थोड़ी दो तीन मशीनों के हुए हैं ज़्यादा रहते हैं। ये OTS में मैंने खुद पाइप डाले थे, ठीक है, और बाहर जो काम किया है ये हेल्परों ने किया, अंदर OTS के अंदर मैंने पाइप खुद डाले थे, उधर बेंडर इतने हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि होल पहले हम हुए मिले थे, तो अपनी मर्ज़ी से अंदर काम किया और बाहर उनकी मर्ज़ी से हुआ, बिल्डिंग मालिक की मर्ज़ी से, क्योंकि इधर तो सब ने देखना होता। ये सीढ़ी वाली साइड है, इधर से जो आदमी आएगा पहले देखेगा, यही कंसल्टेंट देखेगा, इंजीनियर देखेगा, पूरा काम अपनी तसल्ली से देखते हैं। और नीचे उन्होंने तो वो नहीं डलवाए, स्पेशल पीस बनवाए हैं, बनवा के उन्होंने पाइपों के नीचे ये जो छोटे छोटे तबूत बनवाते हैं ना पीस फुल मतलब वो बना कर लगवाए हैं। तो आज की बस थी वीडियो ही, इतनी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जिसको हमारा काम पसंद आया कमेंट्स करे, अगर कोई वीडियो में मिस्टेक वगैरह हो गई हो तो सॉरी, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ऑल बेल आइकन दबा के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह, कि हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे, सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।